हे गाइस, मेरा नाम है हेमन। मैं आज आपको अपने रिसेंटली परचेज ऐसे के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें क्या क्या प्रॉज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं उसके बारे में। पहले मैं आपको उसके बेसिक जानकारी बता दूँ कि मैंने ये 24,500 में ख़रीदा है अपने लोकल मार्केट से, जिसमें स्टेपलाइजर इंक्लूड नहीं है और इंस्टॉलेशन उसमें फ्री है। ये इसका रिमोट है, इसमें कुछ फंक्शन है जो वर्क नहीं करते, जैसे ओरिएंटल स्विंग लैंप, और वाईफाई इसमें वर्क नहीं करता है जो कि कुछ सिलेक्टेड मॉडल में करता है। इसकी रेटिंग है 3 स्टार रेटिंग है। अब आइए इसके प्रोस के बारे में बात कर लेते। पहले जो मुझे इसमें अच्छा लगा, इसकी बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी स्ट्रांग प्लास्टिक है। क्योंकि ये मैं ये कह सकता हूँ इसलिए क्योंकि पहले भी मेरे यहाँ पे एसी लगा था, उसकी प्लास्टिक के कंपेटेबली इसकी प्लास्टिक अच्छी है, काफ़ी स्ट्रांग है। दूसरा जो प्रॉज है उसमें इसका जो टच पैनल है उसमें सभी वही चीज़ें दी गई हैं जो रिमोट में भी हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि रिमोट में हो इसमें ना हो, सब कुछ सेम है। ये अच्छा चीज़ है कि आपका रिमोट अगर ख़राब हो तो सब कुछ यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। आइए इसका बैग भी देख लें। इसमें उसमें भी एक मुझे अच्छा लगा है वो चीज़ वो मैं आपको बता दूं। ये इसका बैग है, इसमें जो एक अच्छी चीज़ लगी उसमें जो फ़ैन लगा हुआ है पीछे कंडेंसर के लिए, उसमें एक रिंग जुड़ा हुआ है, इसमें पानी भरा रहता है तो वो रिंग जब घूमता है तो वो कंडेंसर पे पानी फेंकता है, जिससे कंडेंसर जल्दी ठंडा होता है और अंदर की कूलिंग अच्छी होती है। आइए अब इसके कॉन्स के बारे में बातें कर लेते हैं। सब पहला मुझे जो इसमें कमी लगी वो जो वाटर जिसमें जो पानी फेंकता है कंडेंसर पे, उससे एक आवाज़ आती है छ छ छ छ छ छ छ टाइप की, जो कि काफ़ी इरिटेट करती है अगर अब बैक साइड कोई खड़ा है तो। लेकिन उससे अगर अब उस कमी को, लेकिन उसका एक सोल्यूशन भी है कि नीचे रबर दी गई है, इसको आप अगर निकाल देंगे तो पानी निकल जाएगा यहाँ से, तो वो नॉइज़ काफ़ी कम हो जाती है, ना कि बराबर ही होती है। दूसरा जो इसमें मुझे कमी लगी, ग्रिल जो है ये पूरी ऊपर नीचे होती है, हाफ हाफ नहीं। जो मेरा पहला एसी था उसमें ये हाफ ऊपर हो जाती थी, हाफ नीचे हो जाती थी, ये एक अच्छी चीज़ थी उसमें। लेकिन इसमें पूरा ही ऊपर नीचे होता है, ये मुझे सही नहीं लगा। तीसरी जो मुझे इसमें कमी लगी वो इसमें जो सारे फंक्शन है, अगर आप उस सबको ऑन कर देते हैं उसमें लाइट्स बहुत सारी हैं, अगर आप रात में अगर लाइट से आपको इरिटेशन होता है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो मैं आपको शो करता हूँ, इसमें जैसे ये आपने सारे फंक्शन कर दिए तो रात में काफ़ी लाइट हो जाती है। अगर आप सोते हैं तो एक 15 वाट के बल्ब के बराबर ये रोशनी करती हैं। और इसमें रिमोट में कोई ऐसा फंक्शन नहीं देगा कि आप एलईडी लाइट को बंद कर पाए, आपको फंक्शन ही ऑफ करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी 3 लाइट तो जलेगी जलेगी, और ये डिस्प्ले भी, तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं डिस्प्ले आप ऑफ कर पाओ या फिर लाइट्स ऑफ कर पाओ। चौथा जो मुझे इसमें लगा, ये स्मोकिंग वेंट जो है, इसका बीच में एक जॉइंट है, मैं बंद कर देता हूँ, काफ़ी नॉइज़ आ रही है। स्मोकिंग वेंट है जो इसका जो जॉइंट है उसमें, वो उसकी पिन आपस में निकल जाती है, बार बार निकल जाती है, तो जो मुझे वायर से कनेक्ट करना पड़ा, ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी। तो गाइज़, ये सब इसमें जो प्रोस थे कौन से मैंने आपको बताए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।